स्टूडेंट्स टुडे वी डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी फॉर टेंथ क्लास लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस मींस द बेसिक फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल मींस जिस वो क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग डिसाइड करते हैं दैट इज द लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल दीज आर बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ मीन्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है अगर इनमें से एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा ह्यूमन बॉडी है वो भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और डिजीज़ स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके बेसिक फंक्शंस मीन्स रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन न्यूट्री एक्सक्रीशन सारे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम वो एक हेल्दी पर्सन की तरह सर्वाइव करता है और अपनी लाइफ प्रोसेस को कम्प्लीट करता है उसके बाद आपके पास आता है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मीन्स वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर फूड मटीरियल को लेके जाते हैं दैट इज़ द nutrition and the different components present in our food are known as nutrients like protein carbohydrates fats all these are nutrients nutrition is the process and nutrients are the components of food yeah, substances present in our food food is an organic substance organic because we obtain food from the living things means plants and

जिसके एनर्जी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और बाद में अपने फोटोसिंथेसिस के बाद फूड प्रिपेयर करेंगे और उसको बाद में दूसरे ऑर्गेनिजम्स ईट करेंगे जिसकी वजह से वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और हम उसको लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन Now, on the mode of nutrition, nutrition is divided into two parts autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means the process in which green plants perform the process of photosynthesis and prepare their food themselves. They use carbon dioxide from the air, water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll, and then they perform the process of photosynthesis and green plants are known as producer why they are known as producer because they prepare food themselves and provide that food or produce that food for all organisms so green plants are known as uh, producers now second is heterotrophic mode of nutrition heterotrophic heterotrophic means इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑपटेन देअर फूड फ्रॉम अदर्स मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड दीज ऑर्गेनिजम्स लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक डियर टाइगर ह्यूमन बींग्स ऑल ऑर्गेनिजम्स ओपटेन देअर फूड फ्रॉम अदर्स लाइक प्लांट्स और अदर एनी ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेट्रोट्रोफ्स ध्यान रखना अगर आता है ओटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन तो तो प्रोसेस लिखोगे मीन्स इट इज ए प्रोसेस एंड इफ आता है आपके पास ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं मीन्स दो ऑर्गेनिजम्स फिर आप वो डेफिनेशंस लिखोगे उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑपटेन दियर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर जो गड़ी सड़ी चीज़ें हैं उनसे अपना फूड ऑप्टेन करते हैं उसे कहते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे मशरूम है रोटन ब्रेड वगैरह इन पे सब पे फूड मटेरियल जो पे जो बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं या उन चीज़ों से मरी हुई चीज़ों से गड़ी सड़ी चीज़ों से अपना फूड ऑप्टेन करते हैं उनको सेप्रोट्रोफ्स कहा जाता है या सेप्रोफाइट्स कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन इट्स फूड फ्राम अनदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी बाई लिविंग इन और ऑन डैट ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम मतलब दूसरों की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं लेक, उनसे अपना फूड ऑप्टेन करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं अगर आपके पास एग्जाम्पल एनिमल का आता है एनिमल पैरासाइट का तो इसमें आप कोई भी प्लास्मोडियम राउंड वॉर्म्स ये लिख सकते हो लेकिन अगर आपके पास आता है एनिमल की जगह पे प्लांट का तो उस टाइम आप लिखोगे कसकुटा अमरबेल का होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑफ ऑन सॉलिड फूड मटेरियल मीन्स वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म कंप्लेक्स फॉर्म में फूड ऑबटेन करते हैं दूसरों की बॉडी से फूड मटेरियल इंजेशन मेथड के द्वारा इंजेशन मीन्स जैसे हम हैं हम फूड मटेरियल इनटेक करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में और फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स वेन वी टेक कम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन साइड द बॉडी एंड ऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन साइड अवर बॉडी दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे हम हैं कोई भी एनिमल है ये सारे एग्जाम्पल आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में आफ्टर दिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको फोटोसिंथेसिस बताया है कि जो प्रोसेस जिसमें फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड सॉल से वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इनमें नेसेसरी कंडीशन है कि क्लोरोफिल और सनलाइट कंडीशंस का प्रेजेंट होना ज़रूरी है अगर एक भी कंडीशन चारों में से एबसेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. उसके बाद आता है कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस में फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है स्टार्च में पहले ये पूरी प्रोसेसिंग के थ्रू फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद स्टार्च में कन्वर्ट होगा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा देखो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कौन फोटोसिंथेसिस कौन से स्टेप्स में होती है क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल तो सबसे पहले क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट एब्जॉर्ब होती है उसके बाद उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जिससे वाटर स्प्लिट अप होते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिडक्शन होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में फूड कन्वर्ट होता है उसके बाद आपके पास आता है नेसेसरी कंडीशंस अभी आपको फोर स्टेप्स बताए हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है इनके अगर एक भी स्टेप एबसेंट हो जाता है तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं फर्स्ट स्टेप के लिए कि सनलाइट इज़ नेसेसरी देखो हमने क्या किया एक इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं हमने एक पोटेड प्लांट ले लिया गमले का पौधा ले लिया बड़े पत्ते वाला और उसको हमने एलुमिनियम फॉल से रैप कर दिया कवर कर दिया और उसके बाद हमने तीन चार दिन रखने के बाद हमने उसके पत्ते को तोड़ लिया प्लक द लीफ एंड देन वी पुट दिस लीफ इन द एल्कोहल हमने इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्यों नहीं रखा क्योंकि इट इज हाईली फ्लेमेबल जिससे जल्दी से इसको आग लग जाती है देन वी स्टार्ट टू हीट दैट लिक्विड देन दिस लीफ बिकम्स डी कलराइज एंड दिस लीफ बिकम्स डी कलराइज देन वी रिमूव दिस लीफ फ्रॉम द बेकर एंड वॉश इन टू द वॉटर एंड देन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ हम फिर उस पर आयोड सोल्यूशन डालेंगे उससे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम फोल से कवर था वो पार्ट तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा क्योंकि उसमें फोटो सिंथेसिस हुई नहीं फूड प्रिपेयर ही नहीं हुआ लेकिन जो पार्ट जिसमें फोटो सिंथेसिस हुई थी जो ग्रीन पार्ट था उसमें कलर ब्ल्यू ब्लैक हो जाएगा क्यों बिकॉज फोटो सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दैट पार्ट सो वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस जरूरी है फोटो सिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस को हम इंडिकेट करते हैं बाय ए वेरीगेटेड लीव्स कि जो कॉर्नर्स हैं वो वाइट है जिनके ऊपर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसकी वजह से वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं होगा लेकिन जो बीच वाला ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा जिसकी वजह से हम इंडिकेट करेंगे कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था और उससे फोटोसिंथेसिस हुई है ठीक है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी ये इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है कि हमने एक पोटेड प्लांट लिया और जिसका बड़ा लीफ है और उसके लीफ को हमने एक जार के अंदर हाफ डिप कर दिया और उसके बाद हमने उसको एक कॉर्क से बंद कर दिया कॉर्क से बंद करने के बाद हम उसको तीन चार दिन के लिए रख देंगे जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होती रहेगी और फिर हम उस लीफ को प्लग करके तोड़ के उसी तरह से बॉयल करेंगे बॉयल करने के बाद पूरा क्लोरोफिल है उसका रिमूव हो जाएगा और पूरा क्लोरोफिल रिमूव होने के बाद हम उसको ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे आयोडीन डालने से जो पार्ट लिए की थी मींस बीकर से बाहर था उसमें तो फोटोसिंथेसिस हो गई जिसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक हो गया लेकिन जो अंदर था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई नहीं और फोटोसिंथेसिस हुई क्यों नहीं क्योंकि इसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के द्वारा यूज़ कर ली गई तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम क्यों डालते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एम सी क्यू क्वेश्चन में और एक नंबर में आ सकते हैं तो इनको ध्यान से आपने लर्न करना है अब आपके पास क्वेश्चन आता है वट इज़ द रॉ मेटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस के लिए रॉ मेटेरियल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देखो प्लांट्स की लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है और ये स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ये गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं ये गार्ड सेल्स उन स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज इन स्टोमेटा के थ्रू होता है जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट नाइट टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज करते हैं हाउ डू प्लांट्स ओप्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस देखो प्लांट्स में रूट्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉयल से वाटर और मिनल्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ये रूट हेयर्स जयलम टिश्यू की हेल्प से अपवा डायरेक्शन में इन मिनल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो वाटर से साथ डिज़ोल्व होकर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस मीन्स क्लोरोप्लास्ट ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिथेसिस की साइट क्या है देखो यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम आपने कंपलसरी है लर्न करना है देखो एक लीफ स्ट्रक्चर है ये जिसमें अपर लेयर क्यूटिकल होती है क्यूटिकल एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो गैसेस के एक्सचेंज में कंट्रोल करती है वाटर मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेशन पे कंट्रोल करती है कैसे कि जो एरिया वाटर स्कॉसिटी में होते हैं मतलब जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में रहते हैं उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है जिसकी वजह से ये क्यूटिकल की लेयर थिक होती है ताकि प्लांट्स के अंदर से वाटर इवेपोरेट ना हो और जो वाटर के लार्ज अमाउंट एरिया में होते हैं वहाँ पे ये थिन होती है कॉन्टीन्यूसलीवेपोरेशन होता रहता है और वाटर भी एब्जॉर्ब होता रहता है उससे नीचे एपिडर्मिस होती है विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट्स ऑफ द लीफ एंड बिलो दिस एपिडर्मिस पैलीसेड एंड स्पंजी लेयर इज प्रेजेंट इन पैलीसेड लेयर सम मैनीक्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट विच ट्रैप्स लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट वन फॉल्स ऑन द एपिडर्मिस जब ड्यूरिंग डे सनलाइट इस पर गिरती है तो ये सारे क्लोरोप्लास्ट अपवर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं फिर उसके नीचे स्पंजी लेर होती है जिसके अंदर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं जो गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और लीफ को भी सॉफ्ट फ्लफी बनाने में वो हेल्प करते हैं उससे नीचे प्रेजेंट रहती है लोअर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस मतलब जो लोअर पार्ट जिसमें स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रास वगैरह होते हैं छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटल पोर्स अपर और लोअर सरफेस सभी पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो ब्रॉड लीव्स होते हैं उन पे लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं अपर सरफेस पे कम होते हैं उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में थ्री टाइप्स हैं हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीस हर्बीवोर्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं कार्निवोर्स जो एनिमल मेटेरियल ईट करते हैं मांस वगैरह खाते हैं और ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं आपने इनका एक एक एग्जाम्पल करना है और डेफिनेशन करनी है उसके बाद आपका आता है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखो एनिमल्स के अंदर डाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स आपने बताने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे स्टेप्स हैं वो बताने हैं फर्स्ट इज इंजेशन सेकेंड डाइजेशन थर्ड एब्जॉर्पन फोर्थ एजिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन देखो इंजेशन इंजेशन में सबसे पहले जो फूड मटेरियल इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसको कहते हैं इंजेशन देखो अब यहाँ पे इंजेशन में हमारा हो गया कि इनटेक ऑफ फूड मटेरियल उसके बाद डाइजेशन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है देखो डाइजेशन में सबसे पहले तो बक्कल कैविटी आती है इस बक्कल कैविटी में हमारे फोर टाइप की टीथ्स प्रेजेंट होते हैं इंसीजर्स कैनाइंस स्मोलर्स एंड प्रीमोलर्स जो हमारे फूड मटेरियल को कम्पलेक्स फूड मटेरियल को स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद जब उनको क्रश करके वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा स्लाइवा है जो हमारे यहाँ पे बकल कैविटी में थ्री पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारा फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिससे वो फूड बाद में यहाँ पे ओजोफेगस में आता है ओजोफेगस में किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं होता इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस तरह से होती है उसको कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी इस बार आया हुआ है कि जो ओजोफेगस में मीन्स फूड पाइप में जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसके बाद फूड जब स्टोमक में एंटर कर जाता है हमारे स्टोमक में एक गास्टिक जूस क्रिएट होता है गास्टिक जूस में थ्री सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टोमक का मीडियम एसिडिक करता है और हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरिया को किल करता है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक के फंक्शन आ जाए तो आप ये दो फंक्शन बताओगे पेप्सिन है पेप्सिन प्रोटीन्स के डाइजेशन में ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा और वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है म्यूकस स्टोमक की लाइनिंग को स्मूथ करता है जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम होने की वजह से हमारा जो स्टोमक की वॉल्स होती हैं वो छिलती नहीं है मेज जख्म नहीं होते तो ये म्यूकस का काम है स्टोमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उसके बाद फूड है हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उससे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने से पहले जो देन आफ्टर दिस

पेनक्रियाज है उससे पेनक्रिएटिक जूस क्रिएट होगा जिसके अंदर पेनक्रिएटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को लार्ज साइज के जो फैट पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं इसके अंदर अमाइलेस ट्रिप्सिन और लिपिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं और ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं उसके बाद क्या आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 6.5 मीटर है और वहाँ से फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव लेकिन इसका एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है देन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वैन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन समिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिड फूड मेटीरियल इन विज के ऊपर से ब्लड कैपलरीज प्रेजेंट होती है जो डाइजेस्टिड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है जितना इन विज का सर्फेस एरिया ज्यादा होगा फूड का एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही ज्यादा होगा उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है इन विलेज के थ्रू होने के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने जो फूड जाता है वो अनडाइजेस्टिड होता है मीन्स उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी यूजफुल मटेरियल रह जाता है तो उसके दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद इजेशन मीन्स जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एन के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है उसके बाद आता है डेंटल कैरीज डेंटल कैरीज का मतलब है कि जिसमें हम अगर प्रॉपरली माउथवॉश नहीं करते तो रात के टाइम या दिन के टाइम जब शुगर पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वो फूड बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें तब पता चलता है जब दांतों के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनको वो टच करता है तो इसलिए हमें प्रॉपरली माउथ वॉश करना चाहिए जिसके बाद हम अपने दांतों को सही मेंटेन करके रख सकते हैं देखो दांतों के ऊपर जो आफ्टर कवरिंग होती है इसको इनेमल कहा जाता है जो सबसे हार्डेस्ट कवरिंग है हमारी बॉडी की और जब इनमें कैविटी हो जाएगी तो ये बैक्टीरिया जैसे इन ब्लड कैपिलरीज को टच करेंगे हमें दर्द महसूस होता है और इनके दांतों के ऊपर जो पीलापन छा जा जाता है उसको डेंटल प्लैक कहा जाता है तो इसलिए हमें कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद प्रॉपरली माउथ वॉश करना चाहिए और उनको प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए तो ये आपकी कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज है डाइजेशन से रिलेटेड नाउ टेक रीडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड थैंक्स एंड हैवी नाइस डे